राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 पर डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल है। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सीवन से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगरमुआ कोतवाली के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, उनकी वहीं मौत हो गई। हादसे के वीडियो सामने आए हैं, इनमें दिख रहा है कि सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी है। लाशों को देखकर एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि दूध के टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान बस बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई। डीएम गौरांग राठी ने बताया बस में 57 यात्री सवार थे, करीब 20 यात्री सुरक्षित हैं। 18 मृतकों में अभी 16 की शिनाख्त नहीं हुई है। 19 घायलों को उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 5 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बस का कागजों में दर्ज महोबा का पता फर्जी है। दिल्ली का रहने वाला चंदन जायसवाल पहाड़गंज में बसों को संचालित कर रहा था। जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।